Praise the Lord, everyone. Welcome in Holy Ghost Production YouTube channel. Daily Word of God के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल Holy Ghost Productions को और बॉल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन सेट करें। आइए हम मेरी भविष्यवाणी की पुस्तक में से आज के पवित्र वचन को पढ़ते हैं जो परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। आज का पवित्र वचन, स्पीड ब्रेकर आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं। जिस तरह प्रेरितों के काम की पुस्तक अध्याय 28 की 20 आयत में लिखा है, इसलिए मैंने तुमको बुलाया है कि तुमसे मिलूं और बातचीत करूं, क्योंकि इज़राइल की आशा के लिए मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूं। मेरे प्रियो, जब सड़क में कहीं स्कूल आता है या किसी का घर आता है तो वहां पर स्पीड ब्रेकर होता है ताकि गाड़ियां आराम से निकलें और किसी का नुकसान ना हो, एक्सीडेंट न हो। उसी तरह से आत्मा में चलते हुए भी स्पीड ब्रेकर आते हैं ताकि आप शैतान के अटैक से बचे रहें। इसलिए मेरे प्रियो, जब आपकी आत्मा में स्पीड ब्रेकर आए, आप पर कोई बीमारी आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो निराश नहीं होना, क्योंकि परमेश्वर आपको किसी बुरी दुर्घटना से बचाकर आपको सुरक्षित रखना चाहता है। मेरे प्रियो, आप पौलुस की जितनी भी पत्रियां पढ़ते हैं उनमें से बहुत सी पत्रियां उसने तब लिखी थी जब वह जेल में था और रोमियो ने उसे जेल में बंद करके रखा हुआ था। उसका वहां से छूटना असंभव था। पौलुस एक बहुत ही व्यस्त व्यक्ति था क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा कलीसियाएँ थीं, उसके पास सबसे ज़्यादा लोग थे, वह सबसे ज़्यादा गैर भाषा में बातें करता था। वह घर घर जाकर सिखाने में और कलीसियाएँ बनाने में इतना व्यस्त था कि अगर वह जेल में ना जाता तो इतनी सारी पत्रियों को कभी नहीं लिख पाता। लेकिन जेल में जाने के बाद उसने पत्रियाँ लिखी और रोमी सैनिकों की पूरी पलटन और सब पुलिस वालों को सुसमाचार सुनाया और उन्होंने परमेश्वर के वचनों को सुनकर परमेश्वर को ग्रहण किया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि पौलुस जेल में गया। मेरे प्रियो, पौलुस का जेल में जाना एक स्पीड ब्रेकर था। अगर पौलुस एक आत्मिक व्यक्ति ना होता तो वह कहता कि परमेश्वर, मैंने बाहर इतना काम किया है, इतने सारे लोगों को सुसमाचार सुनाकर बचाया है, अगर आप मुझे जेल भेज देंगे तो आपको इसका क्या फ़ायदा होगा। परमेश्वर यह बात जानते थे कि पौलुस ने बाहर रहकर चाहे जितने भी बड़े बड़े चमत्कार किए हों, लेकिन वह जेल के अंदर रहकर पत्रियां भी लिखेगा और इसलिए आज उसके द्वारा लिखी हुई पत्रियों से दुनिया का हर तीसरा व्यक्ति आशीषित हो रहा है। यह इसलिए हुआ क्योंकि किसी समय पर परमेश्वर ने पौलुस को जेल के अंदर बंद करके वह पत्रियां लिखवाई थी। मेरे प्रियो, अगर पवित्रता में चलते हुए आपके जीवन में स्पीड ब्रेकर आए, आप बीमार हो जाएं, दुखी परेशान हो जाएं, तो घबराएं न, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए सबसे उत्तम तैयार कर रहा है। परमेश्वर जानते हैं कि आपको कब, कहां और किस चीज़ की ज़रूरत है, पर उसके लिए आपको परमेश्वर से ज़्यादा बुद्धिमान बनने की ज़रूरत नहीं, बल्कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में देना है, उसके वचनों पर चलना है, रोज़ प्रार्थना करना है ताकि परमेश्वर आपके जीवन में काम कर सके और आपको सुरक्षित रखकर उचित समय पर आशीषित कर सके। आमीन। यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज के वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, अपनी दया मुझ पर कर ताकि मैं अपने जीवन की हर एक परिस्थिति में पवित्रता के साथ अड़ा और खड़ा रह सकूं और पौलुस की तरह अपने जीवन से आप ही के नाम को महिमा दे सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमेन, आमेन, आमेन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा 100 गुना फलों के साथ आशीषित करें। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।